आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन और ऐसे में महा विकास आघाड़ी और महायुति के पास अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए कुछ ही समय बाकी रह गया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति यानी बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन और महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार गुट है उनका गठबंधन, इसमें हलचल तेज हो गई है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में नामांकन वापसी को लेकर के बागियों को मनाने का ये आखिरी मौका है। दोनों ही पार्टियों में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है जो कि ऑफिशियल टिकट ना मिलने पर बागी हो गए हैं, या तो दूसरे खेमे से लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं, और ये निर्दलीय इस चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। लिहाजा जो भी पार्टी अपने बागियों को मनाने में, जो भी गठबंधन कामयाब हो पाएगा उसके लिए कहीं ना कहीं एज हो जाएगा, उसके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समीकरण जो है जीत हार के आने वाले समय में बदल सकते हैं। दोनों गठबंधन के दल अपने ऐसे बागी उम्मीदवारों को मनाने में लगे हैं जिसको लेकर आने वाले समय में समीकरण में बदलाव हो सकता है, समीकरण बदल सकते हैं। Z News.